तो मानसी अग्रवाल ऑल इंडिया रैंकर सी एस यू के नवंबर एग्जाम्स की सबसे प्रतिभावान हमारी स्टूडेंट, आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप साथ साथ में नाश्ता भी करते रहें। सबसे पहले तो ये बताओ कि मानसी आपका थर्ड रैंक आया, स्टडी हैबिट्स क्या थी आपकी, कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे? सर, आई एम मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी हमेशा से। पहले मेरे को ऐसा रहता था कि पहले 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेंगे ताकि पूरे दिन का आपका एनर्जी। 4 o'clock में डेली का यही है, बल्कि स्टार्टिंग में जब क्लासेस ली तो मैं 3 बजे ही उठ जाती थी। अच्छा, 4 सुबह भी बजते हैं क्या? शाम को तो बजते हैं, बजते हैं। बजने वालों के लिए बजते हैं सर। और मैंने सुना है कि अगर आप सुबह उठ के जितना, क्योंकि आपका फ्रेश माइंड रहता है और मैं अब अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। और मैंने बहुत बारी ट्राई भी किया कि चलो ठीक है एक बार नाइट वाला ट्राई करते हैं, जो चीज़ मैं सुबह हाफ एन आवर में कर लेती हूँ ना, वो वहाँ पर 45 मिनट्स लगाता है, तो 15 मिनट्स का मार्जिन मेरे को सुबह इफेक्टिव दिखता है। तो मैं अपने लिए, मैंने अपना पहले चूज़ किया, पहले अपने आपको फाइंड करो कि आपको क्या सूट करता है। तो मैं सुबह 4 बजे से स्टार्ट करती थी, देन 8 o'clock तक पढ़ा, देन 4 से 8, हाँ, देन 8 to 9 में एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, एंड देन लाइट ब्रेकफास्ट लिया एकदम ताकि नींद ना, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया। अब वो जो सुबह का 4 घंटे पढ़ा ना, तो आई यूज टू स्टडी थियोरी। ये आप रूटीन बता रहे हैं जब आप छुट्टी पे थे? हाँ, सेल्फ स्टडी का। जब आप आर्टिकलशिप में थे? आर्टिकलशिप में तो सर ऐसा रहता था कि मॉर्निंग तो 4 o'clock उठना ही उठना है, हमेशा का यही रहा है कि आर्टिकलशिप में भी सुबह ही उठ के क्लास ले लो। सुबह 3 घंटे की क्लास ले रहती है, अगर थोड़ी लास्ट की हाफ एन आवर की बच भी गई तो ऑफिस से आके फ्रेशन अप हो, हैव डिनर, उसके बाद अपनी क्लास कंप्लीट करो, 10 to 15 मिनट्स लगाओ, उसको रिवाइज करो जो भी सुबह पढ़ा है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, जो सुबह पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करके आप पैक करके सो जाओ। हम हमेशा सोचते हैं यार हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, ट्राई देना होता है, उसे सब होता है, आपकी क्लास बस कंप्लीट करनी है आर्टिकलशिप में, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मैं थोड़े से मेरे क्वेश्चन आगे बीच में चाहना कि आपने सारी क्लासेस जो थी वो पहले 2 साल में पूरी कर ली थी? सर, डी टी आई डी टी की बची थी, क्योंकि वो ना हमें अमेंडमेंट्स बहुत आती रहती हैं, तो मैंने वो लास्ट में ही ली थी कि जो लेटेस्ट बैच, मतलब छुट्टी पे आने के बाद ली थी, वो बाद में ली। तो बाकी सब क्लासेस जो ली थी वो आपने आर्टिकलशिप में ले ली, तो सुबह 4 बजे का क्लास स्टार्ट करते थे। और बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि साथ में जो क्लास ले लिए ना उसके साथ रिवाइज भी करते जाओ, वो नहीं हो पाता है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो नहीं होता है साथ में, आप बट सारी क्लासेस कंप्लीट करो, क्लासेस इन बच्चों को बोलो नहीं नहीं रिवाइज करना है, फिर इनको इतना समझाया कि भाई बच्चों को बोलो कि ज्यादा पढ़ना है, फिर कह रहे नहीं हो पाता, बोलो हाँ बहुत जरूरी है सर, क्लास के साथ वाला तो रिवाइज करना है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास खत्म हो गई उसको रिवाइज करने के लिए 15 डेज लगाने का टाइम लगाते हैं उन आर्टिकलशिप पीरियड में, अभी नहीं लगा वो टाइम, वो हम फर्स्ट रिविजन में लगाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ कि बीच का जो 15 डेज का हम रिवाइज करने का टाइम लगाते हैं, ये नहीं अभी। बोलो, मैं बहुत पढ़ती थी, ठीक है। तो ये बताओ मानसी, आपने एग्जाम से पहले कितनी रिवीजन की? सर, मैंने 5 टाइम्स रिवीजन किया है, क्योंकि मेरे को टाइम ज्यादा मिल गया था। एक्चुअली मैं मई 20 आपने पहले तो 7 बोला था, 7 टाइम रिवाइज किया मैंने, आप 5 बोल रहे हो, 7 बार की सर इफेक्टिव रिवीजन 5 टाइम्स ही बोलूंगा मैं कि पूरा इफेक्टिव अगर निकल के आता, बिकॉज सीए फाइनल का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, अगर मैं 7 बोल जाऊँ तो बच्चे बोलेंगे फेंक ही दिया है सच्ची में, 7 नहीं हो सकते मुझे अपने सीए के लिए उठना था सुबह 4 बजे, तो मैं उठा, दैट्स द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड जिसे फोकस, डिटर्मिनेशन, बहुत अच्छे। मुझे ये बताओ कि जब आप एग्जाम्स के डेज आ गए थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन दिनों में आपका शेड्यूल क्या होता था? अभी लगातार एक दिन छोड़ के पेपर हो रहे हैं आपके, तब क्या कर रहे थे? तब तो सर ऐसा रहता था कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन मैं 10 o'clock तक ही पढ़ पाती हूँ, बाकी मुझे निकलना रहता था, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल 100 किलोमीटर, तो इट टेक्स 200 किलोमीटर आप पेपर डेली एग्जाम में आप ट्रैवल करते हैं, 200 किलोमीटर टू एंड फ्रो, सो 2.5 आवर्स इट टेक्स मी टू रीच देयर, सो आई हैव ऑन एवरी एग्जाम डे, या बाप रे बाप, और वो तो मेरे ख्याल से हाईवे भी प्रॉपर नहीं बना हुआ है, नहीं सर पूरा जंगल का रास्ता है, बहुत गड्ढे गड्ढे हैं बीच में, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक ड्यूरिंग योर ट्रैवल यू कैन नॉट स्टडी, मेरा हेडेक हो जाता था कार में। आपने ये सब कर दिखाया, ये आपकी एक प्रतिभा और आपकी डिटर्मिनेशन का ही वो 16 डेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे मेरे लिए, बट मेरे को मोटिवेटेड रहना था, बिकॉज मेरी पूरी 1.5 ईयर्स की मेहनत ऐसे में खराब नहीं कर सकती।
अब मेरा एक और सवाल है सर, आप भी पूछ सकते हो। मानसी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आईसीआई के मॉक टेस्ट, आरटीपीस, ये सब आपने किए थे? Yes, और कितने इम्पोर्टेंट और स्टडी मटेरियल? सर, स्टडी मटेरियल भी पूरा रेफर किया और एमटीपी आरटीपीस पूरा रेफर किया। अब देखो, पूरे एमटीपी आरटीपीस रेफर पिछले वाले करना, अलग अलग नहीं करना है। जिस भी फैकल्टी को भी आप देख रहे हो ना, उन्होंने कंबाइन करके क्वेश्चंस दिए होते हैं एमटीपी आरटीपी के, और जो आपके अटेम्प्ट के आ रहे हैं वो आप अलग से करो। वो तो वेबसाइट से मिलता है, वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करो और उसे प्रैक्टिस करो, लिख कर कर, हाँ, लिख के कर लो एक बारी। वो एग्जाम से पहले आपको पेड मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, वो आपकी खुद ही की सेल्फ डिसिप्लिन के दो पेपर होते हैं उसमें, हर एक सब्जेक्ट लेके बैठो, और एग्जाम से पहले वो आपको एक अच्छा टेस्ट है, क्योंकि आईसीआई भी रिजल्ट बहुत बाद में देती है। आप मॉक टेस्ट अगर आईसीआई का भी पेड देते हैं, हमारे लिए तो पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ सेंटर्स ही नहीं है। सो आई यूज टू डाउनलोड द पेपर एंड सेल्फ प्रैक्टिस अपना करा, सजेस्टेड से मैच किया, और जो भी हो रहा है उसमें मिस्टेक्स उसको आपने, तो हर एक सब्जेक्ट के कितने पेपर लिखे थे आपने? एक तो पेड टेस्ट सीरीज ली मैंने दो रिविजन्स के बाद। ओके, हाँ, वो वाली तो एक पेड टेस्ट सीरीज थी मेरी, बाकी दो आईसीआई के जो मॉक हैं वो। तीन टेस्ट दिए और एग्जाम में, मतलब आपका चौथा पेपर था। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई स्टडीज के दौरान, की लाइफ में ऐसा चैलेंज आया हो उस दौरान? सर, चैलेंज यही था ना कि मई 22 बिकॉज ऑफ माय आर्टिकलशिप प्रोसीजर ना, 7 डेज की वजह से मेरा अटेम्प्ट मई 22 नहीं हो पाया। फॉर्म फिल करते टाइम मुझे पता चला कि आर्टिकलशिप में 7 डेज का पीरियड रह रहा है मेरा, तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा ऐसा था कि यार क्या ही हो गया है। मई 22 वॉज माई ड्रीम की मई 22 में। 7 दिन ज्यादा छुट्टी ली हुई थी? हाँ, नहीं, 2.5 ईयर्स नहीं कम्प्लीट हो गए थे। तो दोबारा से रिजॉइन करना पड़ा, तो वो 2 मंथ्स का बीच में गैप आ गया, फिर से आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी पड़ी, तो पूरा जो पहले पढ़ रखा था ना वो गैप आ जाता है। oh my God. और आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो कि यार हमने क्या आपको दोबारा मोटिवेट कैसे करते करा कि यार अब भगवान जी ने आपको टाइम दिया है, तो आपको और बेटर रिजल्ट लेके आना है। हाँ, तो वो आवाज आया है मेरा। हमारे बच्चों को ना ये भी बताओ कि जो फेलियर होता है वो एक मौका होता है लर्न करने का। मेरे लिए तो वो इनडायरेक्टली फेलियर ही था ना, बिकॉज मेरे को तो चांस ही नहीं मिला एग्जाम में बैठने का। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार और बच्चे तो एग्जाम देके फेल होंगे या पास होंगे, मैं तो आज ही फेल हो गया हूँ। लेकिन मेरे को उसने और मेरे को मोटिवेशन मिला कि मुझे और बेस्ट करना है, क्योंकि मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिला है और उसे ज़्यादा टाइम मेरे को मिला है, तो मुझे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकालना है। ग्रेट, जी सर। अच्छा मानसी, ये बताओ पूरी सीए फाइनल में जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, उनको यदि आपको डिस्क्राइब करना हो कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस सीक्वेंस में वो प्रिपेयर करें? वो थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल लेकर चलें, या एक सब्जेक्ट को एक ही बार में कवर करें? ये भी बहुत स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है। सर, मैंने ना दोनों स्ट्रेटजीज ऑप्ट करी थी। फर्स्ट 2 रिवीजन में मैंने दो दो सब्जेक्ट लेके चला, ताकि मेरा सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए। 2 सब्जेक्ट्स में क्या होता है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। फर्स्ट 4 आवर्स मैं मॉर्निंग का अपना थ्योरी देता था, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं फ्रेश माइंड से उठता हूँ, पहले अपना थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट किया एंड देन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाता है, तो सही है, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको टाइम देना है। तो थ्योरी आप अपना फ्रेश माइंड के साथ कंप्लीट कर लो, फर्स्ट 2 रिवीजन ऐसे ही किए। देन 3rd 4th रिवीजन में मैंने टाइम कम देना था, लाइक 3-4 डेज देने हैं, 5 डेज देने हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, फिर पर सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली हम बात करें थ्योरेटिकल पेपर की, खासतौर से ऑडिट एंड लॉ की, उसके अंदर आप क्या एडवाइस करोगे हमारे स्टूडेंट्स को कि वो डिफिकल्टी फेस ना करें? ऑल्दो ये दोनों सब्जेक्ट्स बड़े हार्ड माने जाते हैं, तो किस तरीके से आप उनको सिंपलीफाई कर सकते हो? आपके पास दोनों सब्जेक्ट में 70 प्लस है ना? लॉ में तो 63 है, ऑडिट में आई गॉट 73। वेरी गुड। ओके सर, मैं थ्योरी सब्जेक्ट के लिए यही बोलती हूं कि 1 or 2 answers you do writing practice, but writing practice अगर इतनी नहीं भी हो पा रही है तो आपको क्या करना है, आपको read बहुत बारी करना है। First you go through your provision along with the lectures you are watching, and then go simultaneously after you complete your lectures you go through the scanner so that you know how ICAI is asking to you the questions and how to write the questions, and वो question में हमेशा 2 बारी पढ़ती थी। फर्स्ट यू रेड द क्वेश्चन, यू रेड द आंसर, आपको समझ आ गया कि आईसीआई ना ये, देन उसको पॉइंटर्स बनाओ कि आईसीआई ऐसे ऐसे पैरा पैरा करके आपको आंसर दे भाई, तो आपको एक बार फ्रेमिंग पता चल जाएगी ना, तो आपको लिखना आ जाएगा। और फिर मैं स्किप नहीं करती थी, अगर सेम भी क्वेश्चन है ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में आईसीआई हमेशा पूछ लेती है, तो आपको हर आंसर पढ़ के चलना है। एटलीस्ट फर्स्ट 2 रिवीजन में तो आप सारे आंसर पढ़ के चलो, यू हैव द टाइम, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको पेशेंट। अच्छा, जैसे आप एक चीज बताओ, काफी बच्चे जो है थ्योरी पेपर में शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं कि चार्ट बुक से पढ़ लिया,
या क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट छोड़ दिए पूरे, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं किया या मेन बुक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया ज्यादा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से क्या काम चल सकता है? केवल चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक से ऑडिट और लॉ जैसे में नहीं चल सकता है बिल्कुल भी। आप लाइक मैंने आईडीटी में ऐसा किया था कि वॉल चार्ट से कर लिया, बाद में फर्स्ट रिवीजन में तो वो भी नहीं किया। फर्स्ट रिवीजन तो आपको पूरा बुक से ही करना रहता है और स्कैनर उसके साथ साथ करना रहता है। अब आप चार्ट बुक पे जा सकते हो छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, जैसे कि पीएसयू वाला टॉपिक हो गया, वो लास्ट में हमारे स्कोरिंग होते हैं हमेशा 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आता है, तो एक बार आप स्टडी मैथ से पढ़ लो एंड देन उसमें आपको पता है कि हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप उसके लिए चार्ट बुक में चलो रिवीजन के लिए। आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में नहीं जा सकते हो स्टडी मैथ्स। सर एमसीक्यू के लिए मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था, मुझे कभी अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करने पड़े। आईसीआई के प्रैक्टिस के वो इसलिए नहीं करने पड़े क्योंकि मैं हमेशा स्टडी मैथ जो है ना उसको ही रीड करती हूँ, आईसीआई वहीं से तो बना रहा है एमसीक्यू। अच्छा आप ये तो लो हम ले रहे हैं नहीं जी सर, अगर हम स्टडी मैट थरली रीड करेंगे ना 2-3 टाइम्स तो आपको एमसीक्यू की अलग से प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ेगी। आप आईसीआई के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और आईसीआई का मैट्स, आई थिंक आईसीआई के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वही है सर, मैंने बस वही किया। बहुत अच्छी क्वालिटी भी है ना। ग्रेट सर। अच्छा एक मेरा और क्वेश्चन था आपके मन से कि गूगल ड्राइव आ गई इसी दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे, पहले आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, गूगल ड्राइव ने क्या क्या चैलेंजेस दिए आपको? कुछ तो अच्छाइयां हैं कि आप कभी भी कर सकते हैं, पर चैलेंज भी थोड़ा होगा ना, डिसिप्लिन खास तौर पे। डिसिप्लिन तो खैर मेरे अंदर तो है और बच्चों के लिए, मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स देखे उनके एक्सटेंड हो जाती है क्लास, उन्हें फिर से करना पड़ता है। तो मेरा तो ऐसा है कि वन सेटिंग में ही कंप्लीट करके उठना है। स्पीड 1x 2x क्या सर? हमेशा 1.5 और 2। 1.5 और 2 अच्छा मेरी एफआरएम भी इतनी होती थी क्या? सर मैं तो खुद ही बहुत तेज बोलती हूं ना, इसीलिए मैं तेज जी, मेरी मम्मी बोलती थी थोड़ा स्लो धीरे-धीरे, समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने कहा आ रहा है समझ नहीं आ, कभी वो नहीं लगाए ना ईयरफोन तो मम्मी को रहता था कि इसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा होगा कुछ, इतना तेज पढ़ दिया है। बट जल्दी चैट लो ऐसे कर चलता था। बट सर ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को ऐसा रहता है कि स्लोली, बट पता है क्या होता है, अगर आप तेज भी देख रहे हो ना तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है क्योंकि आपको बीच में स्टॉप करना है, यू हैव टू राइट। सर कहीं डायग्राम बना रहे हैं तो यू हैव टू राइट। अब बच्चे तेज करने में क्या होता है, बस सुनते ही रह जाते हैं, आगे पिक्चर चल रही है देख रहे हैं बस, वो निकल जाता है टाइम, ऐसा नहीं करना। बहुत सारे गूगल ड्राइव में मतलब, लेकिन ऐसा भी एक चैलेंज बच्चे फेस करते हैं कि वो सुबह क्लास शुरू करते हैं शाम तक खत्म ही नहीं होती उनकी, आधे आधे घंटे में उठ जाते हैं, किसी कुछ चीज करने के लिए चले गए, कॉल उठा ली, ये सब नहीं करना। ऐसे समझो जैसे हम क्लास में जा रहे हैं, क्लास हमने लगाई है, ऐसे बोलो ऐसे। मैंने हमेशा ऐसे किया कि 7 बजे से आज क्लास स्टार्ट करनी है तो डेली 7 बजे। अभी इमरजेंसी आती है तो आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, ये तो एडवांटेज है गूगल ड्राइव का, लेकिन आपको उसे डिसएडवांटेज नहीं बनाना है कि आप उसे बस एक्सटेंड कर ही जा रहे हो, आज सुबह की क्लास शाम को कम्प्लीट हो रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो फिर आप लगाओ ही मत क्लास जब आपके ऊपर है। तो जब तक आप अपनी राइटिंग, मेरा तो ऐसा है जब तक मैं अपनी राइटिंग में सर जो लिखा है वो ना लिख लू ना, रीडेबल नहीं बनता मेरे लिए। आप प्रिंट वो ऐसा रहता है कि कुछ हमारे नोट्स छूट गए हैं तो लास्ट में उसको प्रिंट आउट निकाल लिया, टाइम नहीं है। बट फर्स्ट टाइम हम टाइम देके क्लास ले रहे हैं तो उसका पूरा यूज करना चाहिए। 3 घंटे अगर सर दे रहे हैं तो मत बढ़ाओ स्पीड, सर जितनी टाइम लिख रहे हैं उतना टाइम हम भी लिख सकते हैं, तो मेरा ऐसा रहता है। अच्छा मानसी एक बात बताओ, अगर सिंगल वर्ड में या छोटे एक सेंटेंस में हर वर्ड का कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहो तो स्टार्ट करते हैं उसके, सातों या आठों जो भी सब्जेक्ट है एक एक करके चलते हैं, हर एक के अंदर सिर्फ एक टिप ऐसी हो जाए कि एक एक टिप देते जाओ। FR में राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, FR बहुत स्कोरिंग है, इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस बहुत रेयरली बनाता है, बनाएगा बट बहुत रेयरली बनाता है। आप एग्जेम्पशन तो स्कोर कर ही सकते हो उसमें अगर इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, MTP RTP और ठीक है। और नंबर 2 SFM, आदित्य जैन सर ने भी आना था, दिल्ली आना था आपके पास। SFM में आपको कॉन्सेप्चुअल तो खैर सारी सब्जेक्ट्स में जाना रहता है, बट SFM में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट बेस्ड, बिकॉज इस बार ही क्वेश्चंस बहुत सारे नए थे।
आप एफ आई की तरह एसएफएम में नहीं जा सकते कि केवल क्वेश्चंस क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ बच्चों को फॉरेक्स का कुछ नहीं समझ आता, बस क्वेश्चंस रट लेते हैं। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको उसमें कॉन्स डेरिवेटिव फ्यूचर्स ऑप्शंस इन सारे सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप नए क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। राइटिंग प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पेपर है ऑडिट। ऑडिट में आपको ऐसा करना है कि आप एक दो क्वेश्चन देनी रिटर्न करो और आप क्लास के साथ साथ ही रिवाइज करते हुए चलो मेरे अकॉर्डिंग। और डेली मेरे को ऐसा रहता है ना कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई और भी चल रहा है ना, तो मैं लॉ और ऑडिट को ऐसा टाइम देती हूँ, भले ही एक एक घंटा में या कोई और सब्जेक्ट भी चल रहा है, थोड़ा आपको उसको टच नहीं छोड़ना है सब्जेक्ट को। थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके टच में रहना चाहिए, भले ही आप एक टॉपिक रिवाइज करो, अगर आपने टच छोड़ दिया ना, वो पूरा सब्जेक्ट ही ब्लैकआउट हो जाता है आपके माइंड। ये दोनों बातें आप ऑडिट लॉ दोनों के लिए लगाई है मैंने, और मैं फोकस करती हूँ लॉ में, भले ही मार्क्स नहीं होंगे सेक्शंस के या जो भी हैं, बट आप ना थोड़ा ट्राई करो, एटलीस्ट डायरेक्टर्स वाले जो डायरेक्टर्स वाला हमारा चैप्टर है उसमें ट्राई करो सेक्शंस को याद करने का। उससे क्या होता है ना, एक कनेक्ट बन जाता है आपको, फ्लो बन जाता है सारे सेक्शंस का। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि वो याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। और मेरे लिए तो डायरेक्टर सबसे ईजी चैप्टर बन गया था, बच्चे के लिए जो हेडेक रहता है 3 चैप्टर कवर हो जाते हैं हमारे। हाँ, ऑडिट के लिए प्रोफेशनल एथिक्स का बना लिया, अपने लिए एक निमोनिक्स बना लिया मैंने कि सारे क्लॉजेस के लिए। प्रोफेशनल एथिक्स कभी भी स्टार्ट किया, पहले वो क्लॉजेस अपने माइंड में एक पेज में लिख लिए, अब आगे का क्या पढ़ना है, उसके अंदर का कंटेंट रीड करना है। अच्छा, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, पर मुझे बताओ ऑडिट और लॉ में या किसी और पेपर में आपने हाथ में जो नोट्स बनाए थे, जो भी चीज़ बनाई थी, वो आप शेयर कर सकते हो बच्चों को? हाँ सर, लेकिन वो मेरे ना अपने रीडेबल वाले हैं। कोई बात नहीं, उससे ना उनको एक सेंस मिल जाएगी। हाँ, हाँ, तो अगर आप मुझे वो भेज देंगे तो मैं अटैच कर दूंगा। कारों के क्लॉजेस के लिए बनाया था अपना खुद के लिए एक पेज पे, कि कारों के सारे क्लॉजेस उन्हें पता चलना चाहिए रैंक होल्डर कैसे पढ़ते हैं। मुझे अपना एक तो सैंपल भेज देना, और सारे सब्जेक्ट के लिए ना सर एक्सेल शीट भी बनाई थी मैंने, वो भी भेज देना कि क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ा। जो आपका मटेरियल है ना, उससे हमारे बच्चे बड़े सारे राह ले जाएंगे। तो आप इंस्पिरेशन है उन सबके लिए, आप उन सबके लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राह दिखा रहे हैं। तो आपका जिम्मा भी बनता है कि आपका जो कॉन्टेंट था उसमें से जो आपको लगता है कि इन बच्चों के हित में है वो प्लीज़ शेयर करना, ठीक है? अच्छा, थर्ड नहीं नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेशन का तो ऐसा किया था सर, क्लास तो ली थी, सेल्फ स्टडी पीरियड जब स्टार्ट हो रहा था तब, तो डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत टाइम लिया था। क्लास लेते ही साथ में तो रिवाइज करना ही करना है, क्वेश्चंस भी सर ने बोला था पीजीपीबी वाला चैप्टर स्टार्ट मत, उस खत्म होने के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट मत करना जब तक वो सारे क्वेश्चन ना हो जाए। क्वेश्चन थे 60-80 के अराउंड, तो मैंने 2 दिन लगाए केवल वही पढ़ा और सारे क्वेश्चन कम्प्लीट करे, बिकॉज पीजीपीबी ना आगे वाले चैप्टर्स में भी लिंक करता है, मैट वाले में लिंक करता है। तो आपको ना ऐसे स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर्स है ना उसमें अपना ग्रिप बना के चलनी है। डायरेक्ट टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, और जब वो पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, लगाओ 8-10 days लगे मेरे को फिर से उसे रिवाइज किया। अब प्रोविजन और क्वेश्चन दोनों खुद से करे, पहली बारी तो सर पढ़ा रहे थे तब वो प्रोविजन आपके बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी यही है, जिस भी टीचर से आप क्लास ले रहे हो ना तो उसका स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, क्लास के साथ साथ पढ़ना है, और उसके बाद आपको जो भी वो शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं, क्योंकि टैक्सेशन बहुत ही वास्ट है, सबके अपने नोट्स होते होते हैं, तो जो भी वो नोट्स दे रहे हैं ना आप उसमें एक्स्ट्रा स्टेक कर लो, जो भी बैर एक्ट का उन्होंने क्लासेस के टाइम पे आपको बताया, लेकिन आपको पता चल रहा है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और पेपर है कॉस्टिंग, क्या बोलते हैं उसको, एससीएमटी। कॉस्टिंग में फोबिया लोगों को थ्योरी का है, मेरे को थ्योरी का फोबिया तो नहीं था, मुझे फोबिया ये था कि केस स्टडी में मार्क्स नहीं देते लिखने के बाद। उसमें केस स्टडी आती है? हाँ, केस स्टडीज आती है। तो मैंने क्या किया था, जिस भी टीचर से क्लास दे रखी है ना, क्लास लेने के बाद रिविजनरी लेक्चर के साथ आप थ्योरी करो, आप खुद से ऐसे पढ़ने बैठोगे ना तो नींद आने लग जाती है, उसकी थ्योरी इस टाइप की। और मल्टीपल टाइम्स रीड करना है आपको, टेक्निकल टर्म्स आपके ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएंगे, बच्चे रट्टा रट्टा मारने में लग जाते हैं, वो नहीं मारना होंगे, हमने बस रीड करना है, हमारा माइंड इतना ग्रेस्प करता है कि वो वर्ड्स खुद से हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है, और आपका जो सिलेक्शन थी इको लॉ लिया था, इसीलिए लिया था क्योंकि लॉ मेरे को ऐसा लगता था कि जो हमारे 3 एक्ट उसी में कवर हो जाते हैं, तो हमारा सिलेबस थोड़ा शॉर्ट हो जाता है कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स, इसीलिए, और थोड़ा वो स्कोरिंग भी है, तो इसीलिए हमें लॉ ऑप्ट कर लिया। मुझे अब ऐसे आदित्य जैन सर भी आने वाले थे तो वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे नाम के क्वेश्चन पूछ लेना कि आदित्य सर, पहले तो मैं उनका पूछता हूँ कैसा पढ़ाया उन्होंने। आदित्य जैन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मोटिवेट भी बहुत करते थे, कोट वगैरह क्लास के स्टार्ट में उसके एंड में कोट, और सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत पढ़ाते हैं आदित्य जैन सर, कॉन्सेप्ट सारे कॉपी में लिखाते हैं एंड क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कराते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। प्लस डाउट सॉल्विंग भी उनको मुबारक दे दूँ ना मैं। हाँ जी सर, चलो ठीक है।
और मुझे एक और अगला सवाल आपसे पूछना है कि यहाँ से कहाँ अब क्या सी ए मानसी अग्रवाल सी ए की स्टूडेंट की जर्नी समाप्त अब हो गई सी ए अब क्या सर अब इसके बाद एमबीए के लिए प्रिपेयर करना है मेरे को कैट के लिए और इधर कैंपस प्लेसमेंट में जॉब बहुत अच्छी लग जाती है तो मुझे एमबीए ही करना है बट फिर वो वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ जो एग्जीक्यूटिव वाला होता है भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें इसकी हम पूरी मंगल कामना करते हैं। एक आखिरी सवाल हमारे पास और रह गया कि आपके ही पीरियड में ही आर्टिकलशिप के दौरान कोविड आया था तो क्या क्या चैलेंजेस रहे इसको आपने कैसे हैंडल किया? कोविड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए बिकॉज मेरे को अपनी आर्टिकलशिप का भी ट्रांसफ़र लेना पड़ा था तो स्विच करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे अपने होम टाउन में शिफ्ट होना पड़ा एंड देन अगेन आर्टिकलशिप जहाँ पे रीजॉइन किया वो फिर से कोविड जब ख़त्म हुआ तो मेरे को फिर से दिल्ली में जाना पड़ा तो बहुत अप एंड डाउन हुआ। तो होता है ऐसे आपको अपनी स्टडीज उस टाइम के लिए थोड़ी बहुत इफेक्ट होती हैं बट आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था कि कोई बात नहीं एक क्लास अभी थोड़ा लेट स्टार्ट हो जाएगी आर्टिकलशिप पे फोकस करो बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा करिकुलम ऐसा है कि आर्टिकलशिप भी साथ में करनी है और स्टडीज भी साथ में करनी है तो आपको दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। ग्रेट। अब एक आखिरी वचन कि आपने कुछ मटेरियल मुझे पीडीएफ सेंड करनी है जो मैं वीडियो के साथ अटैच करूंगा। ये आपका एक जिम्मा हो गया। आपको हम बहुत बहुत फिर से बधाई देते हैं आपके माता पिता को बधाई देते हैं और आपको बेस्ट विशेस देते हैं अपने भविष्य में जो आप चीज़ सोच रहे हैं वो पूरी कर पाएं इसकी मंगल कामना हमारी आपके साथ है। तो रुद्रपुर से हम सभी टीचर्स और मानसी और उनकी सिस्टर मैं भी सिस्टर का भी इंक्लूड दूंगा तो हम आपका यहाँ तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।